इतिहास में पहली बार ओडिशा से आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। इसी के चलते केंदुझर और बिलाईपादा मंडल में बीजेपी युवा मोर्चा के सदस्यों ने ढोल नगाड़े बजाते हुए पटाखे फोड़े और लोगों को मिठाइयां खिलाकर जश्न मनाया। इस अवसर पर बीजेपी चंपुआ मंडल के विधायक उम्मीदवार मुरली मनोहर शर्मा ने कहा कि ओडिशा राज्य से एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति पद के रूप में चुना जाना हम ओडिशा वासियों के लिए गर्व की बात है। देश के सर्वोच्च स्थान पर महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के होने से सारे उड़ीसा में एक खुशी की लहर फैल रही है। सपने में भी हम लोग नहीं सोचते थे, 75 साल में तो हम नहीं सोच पाए कि उस पदवी पर कोई उड़िया इंसान बैठे और उड़िया में भी वो महिला, आदिवासी महिला का चयन। इसके लिए सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, खुशी की लहर चल रही है। हर गांव से खबर आ रहा है कि आज हम लोग यहाँ उत्सव का माहौल है, आप जरा सा 5 मिनट के लिए आइए। आज भी वही हुआ, कई गाँव में 3 दिन पहले उनको ऑलरेडी मनोनीत कर दिया गया, जीत गई। उसके बाद